नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर से संबंधित इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर आपको आगे आने वाले लगभग 48 घंटों के अंदर राजस्थान के अंदर जो मौसम बदलने जा रहा है, खास तौर से बात करें तो अरब सागर से जो नमी वाली हवाओं का फ्लो, खास तौर से बात करें जो दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों के अंदर अभी जो बनेगा, उसकी वजह से किन किन ज़िलों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ आपको आगे आने वाले लगभग 48 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जो जानकारी है वो देने का प्रयास करूंगा। तो अगर आप राजस्थान के अंदर किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो अपने ज़िले का नाम जो लिख दीजिएगा। सबसे पहले IMD के द्वारा जो बारिश से संबंधित ग्राफ प्राप्त हो रहा है उसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से जो नमी वाली हवाओं का फ्लो है, इसके साथ साथ में बादलों की जो आवाजाही है वो जो वो राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो रह सकती है। अगर राजस्थान के मैप के अंदर बात करें तो सबसे पहले दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों के अंदर जो बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर है वो बारिश का यहाँ पर ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के ज़िलों के अंदर यहाँ पर जो है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर बात करें तो उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, इन ज़िलों के अंदर आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर बादलों की घनी आवाजाही आपको देखने को मिलेगी और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों के अंदर आपको जो देखने को मिलेगी। यहां पर अगर बात करें तो अरब सागर से नमी वाली हवाओं का जो फ्लो है वो जो बना हुआ है, इसके साथ साथ में बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ज़िलों के अंदर भी, यानी खास तौर से बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर भी बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम बारिश के रूप में आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ बात करें तो अरावली रेंज के भी कुछ क्षेत्रों के अंदर, जिसके अंतर्गत बात करें तो जालौर के अंदर, सिरोही के अंदर, पाली के अंदर, अजमेर के अंदर, और इसके साथ साथ में बात करें तो कुछ जो है वो आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी, यानी ब्यावर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर, कुछ जो है वो राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी जो बादलों की आवाजाही है वो बढ़ेगी। लेकिन बारिश की गतिविधियों की मुख्य रूप से बात करें तो जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर तक के क्षेत्रों के अंदर बारिश की गतिविधियाँ हल्की बारिश के रूप में जो है वो इस हवाओं के फ्लो से, या जो अरब सागर की वजह से जो नमी वाली हवाओं का फ्लो बना हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर आपको जो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर बाकी ज़िलों के अंदर मौसम आगे आने वाले लगभग 48 घंटों के अंदर शुष्क बना रहेगा। राजस्थान के मौसम से संबंधित ये जानकारी अगर आपको सही लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।